हाँ भाई सब बढ़िया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। पता नहीं कैसे ये ग्रीन स्क्रीन है काम कर रही। कर रही क्या हुआ चेंज कर रही काम बताओ बताओ। तो देखो भाई साफ पास हूँ मैं। ये वीडियो ज्यादा बड़ी करनी नहीं है छोटी सी है। अगर हंसने के ही मोटिव से आए होगी तो मैं इस वीडियो से हंसी आएगी ही आएगी बेटा। मैं गारंटी नहीं दे सकता। बाकी अगर थोड़ी सीरियसली बीच में वीडियो हो सकती है कुछ नहीं पता मुझे। छोटी वीडियो करेंगे। इंट्रो लाओ फटाफट शुरू करते हैं। गेट बंद करो। सीबीएसई बोर्ड्स या हिंदुस्तानी भाव कंट्रोल्स। तो अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया 15 जुलाई चल रहा है ना। 15 जुलाई को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया ठीक है। आज है 22 तारीख। काफी लेट हूं मैं इस टॉपिक पे पता है मुझे। और उसी के साथ साथ इस 15 से 22 जुलाई के बीच में एक आए हैं उठ के शुभम मिश्रा जिसे कोई नहीं जानता था जैसे आमिर सिद्दीकी को कोई नहीं जानता था। इतने अजीब तरीके के हेटर्स है ना हेटर्स। देखो इफ यू हेट समवन यू रियली डोंट वांट। अब अंग्रेजी छोड़ो यार। अगर तुम्हें कोई नहीं है पसंद तुम्हें नहीं करना उसे फेमस। देखो सबसे पहले इग्नोर दें ठीक है। आमिर सिद्दीकी को इग्नोर नहीं किया गया जिसकी वजह से सब छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने उनके उनके आमिर सिद्दीकी के ऊपर वीडियो बनाई। वीडियो गोज वायरल। वीडियो फैल गई। इस समय मोर देन 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बहुत अंग्रेजी हो रही है आज। बहुत सारे लोग मतलब आज ही जनता इंडिया की जानती है आमिर सिद्दीकी कौन है। इसी तरह शुभम मिश्रा पता नहीं 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जानती है कि नहीं जानती लेकिन उसे काफी लोग अब जानते हैं ओनली बिकॉज ऑफ तुमने शुभम मिश्रा को इग्नोर नहीं करा। शुभम मिश्रा ने एक कॉमेडियन को रेप थ्रेट्स दिए ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है मजाक की बात नहीं है। यार टॉपिक तो सीबीएसई बोर्ड से शुरू करा था सीधा हिंदुस्तानी मॉक कंट्रोवर्सी। चलो पहले सीन में पहले थे ठीक है। दिए क्यों दिए उस कॉमेडियन ने जो फीमेल कॉमेडियन थी स्टैंड अप कॉमेडियन उसने 2 साल पहले एक जोक मारा था जस्ट जोक जिसके लिए जब शुभम मिश्रा ने उसके ऊपर वीडियो बनाई उसने सॉरी करा उसने कहा उसने उसने माफी मांग ली उसने अपनी ठीक है। लेकिन लेकिन जब शुभम मिश्रा पर बात आई उस बंदे ने कोई माफी नहीं मांगी। उस बंदे ने उल्टा कहा कि मैंने उसे कोई रेप थ्रेट नहीं भाई वीडियो में साफ बोल रहा है। वीडियो वगैरह मैं दिखा नहीं सकता बहुत ही पारिवारिक संस्कारी संस्कारी नहीं संस्कारी चैनल है। और उसके बाद हिंदुस्तानी भाव ने उसका बहुत सपोर्ट करा जिसकी वजह से हिंदुस्तानी भाव एक दिन में गायब हुआ काफी सारे फॉलोअर्स बढ़े फिर वो वापस आ गए हैं हिंदुस्तानी भाव इज बैक। तो अब आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड पे। भाई इतनी बेकार अजीब तरीके की पॉपुलेशन है यहाँ। सीबीएसई बोर्ड में 2 टॉपर्स थे 12th के साल ठीक है दिव्यांशी एंड तुषार सिंह। मेरे लिए तुषार सिंह और दिव्यांशी जैन है तुषार सिंह। हाँ दिव्यांशी जैन 100% मार्क्स। पहले मेरे 2 सवाल घर में स्कूल की ड्रेस पहन के कौन घूमता है भाई बताओ। दूसरी सवाल ये दिव्यांशी जैन से नहीं तुम सब लोगों से। ओ भाई तुषार जैन के भी 100% आया उसे भी थोड़ी इज्जत दे दो यार। तुषार जैन है तुषार जैन को इस तरीके से इग्नोर करा गया है जिस तरीके से हमें शुभम मिश्रा और आमिर सिद्दीकी को इग्नोर करना चाहिए ठीक है। अगर वो इग्नोर होते तो शायद काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी व्यूज वगैरह लोगों को नहीं मिलते। लेकिन जिन्हें रिस्पेक्ट जिन्हें जिन लोगों को नहीं जानना चाहिए था लोगों को उन लोगों को भी वो लोग नहीं जानते काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस हो गया। अब दिव्यांशी जैन को इस समय सब जानते होंगे कौन है दिव्यांशी जैन 12th 2020 की टॉपर और तुषार सिंह उसके भी 100% आए हैं। तुषार सिंह की मेरे को एक और बात बहुत अच्छी लगी। तुषार सिंह ने एक बात बोली है कि
इंग्लिश में 100 out of 100 कभी किसी के नहीं आ सकते, क्योंकि इंग्लिश में एक लेटर और एक ऐसे कभी भी 100% सही नहीं हो सकता, एक ना एक मिस्टेक हो ही जाती है। तो तुषार सिंह को खुद पे डाउट है कि उसके 100% नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी तरफ दिव्यांशी जैन, जिसे बेफालतू का प्रॉब्लम वायरल किया गया, अगर कर ही रहे हो वायरल दोनों को बराबर करो, तुषार जैन को भी नहीं टैक्स नहीं डालो, तुषार जैन को भी और तुषार सिंह यार बहुत कंफ्यूजन है जिंदगी में, तुषार सिंह को भी और दिव्यांशी जैन को भी। उसके बाद आए 10th के रिजल्ट्स। 10th में 100% की वैल्यू तो गिर गई है कसम से, 100% की वैल्यू तो गई। क्लास 10th में रिजल्ट आया 15 जुलाई को, मोर देन 14 स्टूडेंट्स के 100% आए सीबीएसई बोर्ड में। जब एक बच्चे के 100% नहीं आते थे, देन 99.98% वाले बच्चे की बहुत इज्जत होती। अब 99.98 वाले बच्चों को कोई पूछ भी नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कांग्रेस टू एवरीवन जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, जिनके थोड़े कम आए हैं, थोड़े कम या जस्ट पासिंग आए, भाई देखो जो होना था हो गया, ट्राई हार्ड फॉर योर फ्यूचर। अपने जो फ्यूचर में 12th आ रही है, 11th आ रही है, कॉलेज जाएगा, लाइफ आएगी पूरी, उसमें पूरी जान लगा दो, जी जान लगा दो, परसेंट आई डोंट थिंक इतने मैटर करते हैं बिकॉज वो सिर्फ जॉब्स और उसके हिसाब से होंगे। अगर तुम्हारे परसेंट कम है, मीन मे बी यू आर वीक, पढ़ाई में वीक हो थोड़े, लेकिन इफ यू हैव अगर ढूंढने जरूरत है तो किसी एक आध स्किल में अगर अच्छे हो, उस स्किल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी बहुत मस्त रहेगा यार जिंदगी, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मेरा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, छोटी सी वीडियो की बात करी थी, छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, इग्नोर पीपल लाइक शुभम मिश्रा, मेरे को तो नाम ही नहीं याद यार इनसे, इग्नोर पीपल लाइक शुभम मिश्रा एंड आमिर सिद्दीकी, एंड प्लीज इफ समवन गेट्स वेरी गुड मार्क्स और समथिंग बहुत ही अच्छा करा किसी ने, लेकिन उसके साथ एक और ने भी करा है, प्लीज दो सबको बराबर रिस्पेक्ट दो यार। अब फेमिनिस्ट बहुत खुश होंगे कि वाओ छोड़ो डालो की बात नहीं, वीडियो खत्म करते। देखो तुम्हारे लिए बाल कटवा के आया था स्पेशली मैंने, चलो वीडियो में थोड़ा अच्छा दिख जाएंगे, बाकी ग्रीन स्क्रीन काम करी होगी तो मैंने बीच बीच में दिखाया होगा, पीछे कुछ नहीं करी होगी तो कैसी लगी है, ग्रीन कलर कैसा लग रहा था तुम्हें बता देना मेरे को, वीडियो में बहुत अच्छा गंदा हो रहा था यार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। कौन आया, चलो कहाँ, मेरी ब्रेक ठीक करवाने डैडी ने बुलाया, डैडी ने बुलाया, ये बंदा दिख रहा है ये चोट खा चुका, साइकिल चला के दिखा चुका, चोट मत दिखा वो सेंसर्ड वीडियो है, अगर खुद बैठ जा, ये बंदा चोट खा चुका। चलो फिर इसके पापा ने मतलब मेरे ताया ने मेरे को बुलाया कि इसकी साइकिल से करवा के आनी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर देना, चलते हैं।